नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है, हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज। ये तीनों व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यही वजह है कि सुहागिनों के साथ कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना से हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं कि इस साल हरतालिका तीज की डेट, मुहूर्त और महत्व क्या है। भाद्रपद का महीना 31 अगस्त 2023 से शुरू होगा। इस माह में हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को होगी। हरतालिका तीज व्रत के अगले दिन गणेश चतुर्थी होती है। इस दिन से 10 दिन का गणेश उत्सव शुरू हो जाता है। चलिए जानते हैं कि हरतालिका तीज 2023 की मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और अगले दिन 18 सितंबर 2023 को 12:29 पर खत्म होगी। मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा सुबह प्रदोष काल या फिर रात्रि के चारों प्रहर में भी की जाती है। हरतालिका तीज का मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक 18 सितंबर 2023 को है। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:23 से 6:47 तक है। चलिए जानते हैं कि हरतालिका तीज का महत्व क्या है। हरतालिका तीज हरत और आलिका शब्द से मिलाकर बना है। हरत यानी हरण और आलिका सहेली। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दे। यहाँ उन्होंने हरतालिका तीज का निर्जल व्रत रखा, रात्रि जागरण कर शिव की भक्ति में लीन रही थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें शिवजी को शिवजी पति के रूप में मिले, इसलिए सुहागने भी पति की दीर्घायु के लिए इस दिन बिना पानी का व्रत रखती हैं और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ये व्रत करवा चौथ के समान फलदायी माना गया है। दोस्तों, ये थी जानकारी कि हरतालिका तीज कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत का महत्व क्या है। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।